हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। नमः शिवाय। यह है बाबा बर्फानी। आज मैं पैर में आलता लगाई थी पूजा करने के पहले। गेहूँ साफ करके रखे पिसवाने के लिए, सुबह सुबह इसको साफ किए थे। हेलो, नमस्कार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए बारिश, देखिए देखिए बारिश। बिजली भी उतना ही कड़क रहा है, जोरों की बारिश आ गई। अभी पूजा पाठ खाना पीना सब हो गया। मतलब खाना बन गया है, खाना खाया नहीं है, जोरों की बारिश लगे हुई है। आज तो सोमवार है, लेकिन हम फास्टिंग करते नहीं हैं। फास्टिंग तो है नहीं, लेकिन हम पूजा पाठ कर लिए हैं सब। और जैसे आए कि सब्जी का छिलका है बगान में, ऐसे डाल देते हैं। देखिए जोरों की बारिश लग गई। बादल भी गरज रहा है पूरा एकदम जोर जोर से। बाल में तेल लगाए और उसके बाद चल गए थे बाहर कंघी करने, क्योंकि बाल गिरता है बहुत। और आज तीसरा सोमवार है, तो संडे को बाल धोए थे रविवार को, और सुबह सुबह आज भी नहा लिए थे। तो जितना टाइम मैं पूजा किए, खाना बनाए, खाना बना खा के बाल जब सूख गया, तो कहे कि पहले बाल में तेल लगाते हैं, क्योंकि हमको बाल में तेल लगाए रह नहीं सकते। सबको देखते हैं कि नहीं तेल लगा के उसके बाद बाल धोए। तो शनिवार को हम तेल लगा भी लेते हैं और इतवार को बाल धो भी लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद सोमवार को हम तेल लगाएंगे ही लगाएंगे। हाँ, बीच में जरूरत पड़ा तो किसी दिन धो लिए बाल, नहीं तो फिर वही शनिवार को तेल लगाएंगे और इतवार को धोएंगे। मेरा शुरू से यही रूटीन है, और बिना तेल के तो नहीं रह सकते, सर में दर्द हो जाएगा। वैसे भी थोड़ा कल बाल से नहा लिए हैं, ठीक आना शुरू हो गया है फिर। लेकिन नहीं, पहले तेल लगाओ भाई, बगैर तेल के कुछ नहीं होगा। खाना वाना खाने के बाद उसके बाद बाल में तेल लगाने चले गए, बर्तन भी नहीं धुले थे। जब तेल वेल लगा लिए सर में, उसके बाद आ गए बर्तन धुलने के लिए। कहे कि नहीं अब किचन साफ कर लेते हैं, बर्तन धुल लेते हैं, थोड़ा निश्चिंत रहेंगे। ज़्यादा कुछ बर्तन था नहीं, फिर भी जो बनाए खाए उसका तो हो ही जाता है ना।
आप लोग भी बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। तो पता है कि आप लोगों को जब अच्छा लगेगा तभी लाइक कीजिएगा, लेकिन जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा सब। सब काम हो गया था, बाल में तेल लगा के और उसके बाद सो गए, चेयर पर बैठे बैठे सो गए। तो मेरा गर्दन दर्द करने लगा कि दर्द कर रहा है। उठे देखे कि तो चेयर पर ही बैठे बैठे लेट गए, वही बाल में तेल लगाया और उसके बाद मोबाइल देख रहे थे। मोबाइल देखते देखते वैसे ही सो जाते हैं, हालांकि बिस्तर पर जाएंगे तो जल्दी नींद नहीं आएगा। और मोबाइल देखते मैंने चेयर पर बैठे रहेंगे फट से नींद आ जाता है, आँख पे भार पड़ता है तो नींद आ जाता है। हाँ, लेटे लेटे लगता है कि करीब हमको आधा घंटा 45 मिनट हो गया, तब उसके बाद जाके हमको नींद मिला। पता नहीं 4-10 होता होगा, देखते हैं कुछ और। तो काम अभी कुछ नहीं है बाकी, कपड़ा तो सब डाले थे, सब भींगा हुआ ही है ऊपर छत पे। कपड़ा डाले और फिर जाके बारिश, बोले छोड़ो अपने उतार उठाएंगे शाम को, एक बार उठाएंगे कि इधर डालेंगे, भीगा हुआ ही है देखिए। तो और पलट गया, भीगा हुआ ही है। बस यहीं पे डाल दिए हैं, सूखेगा तो सूखेगा, नहीं सूखेगा कल धूप निकलेगा, उसके बाद धूप में डाल देंगे। और ये देखिए घर के सामने जो खेत है उसमें हरा हरा घास, लग रहा है कि भगवान कालीन बिछा दिए। लेकिन इसके नीचे पानी है, इधर से लोग आ जा नहीं सकते। और ये मेरा हर सिंगार छत से भी ऊंचा हो गया, बहुत खूबसूरत लगता है जब इसका फूल नीचे जमीन पे बिछा हुआ रहता है देख के। इस बार तो हमको लगा था कि सूख गया है, गर्मी में बहुत इसके पीछे मेहनत की, तो देखे कि नहीं, नारियल बुरा था, मखाना पिसा हुआ है, यहाँ बादाम और काजू पिसा हुआ, उसमें दो इलायची भी पिसा हुआ, यहाँ बेसन,
हाँ पैन गरम कर लिए थे, अब उसमें बेसन ढाल के अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे। और हमसे गलती क्या हो गया कि बेसन पहले भी अच्छे से भुने, फिर दो चम्मच और घी डाल के फिर से भुने, तो सारा क्लिप तो तैयार था, लेकिन जब बेसन को उतार के और अच्छे से उसको हाथ से मसल रहे थे कि उसमें गुलटी ना रहे, एकदम चिकना सा हो जाए, तो उस समय का क्लिप ही नहीं बना। जब पूरा लड्डू बना लिए, पूरा सब खत्म हो गया, तो सोचे कैमरा को ऑफ करते हैं, तो देख रहे हैं कि तो कैमरा ऑन ही नहीं किए थे, तो वो क्लिप हमसे मिस हो गया, बना ही नहीं। तो कोई नहीं, बेसन भुनने तक तो क्लिप तैयार किए हैं, लेकिन लड्डू बनाए हैं सो क्लिप नहीं तैयार हुआ। कुछ नहीं, बेसन को भून लिए, उसके बाद उसको और थोड़ा सा दो चम्मच और घी डाल के भूने, फिर उसके बाद उसको हल्का सा ठंडा किए ताकि हाथ से उसको मसल सके। उसके बाद उसको मसल के अच्छा से उसमें जितना ड्राई फ्रूट सा सब को मिला के अच्छे से मिक्स कर लिए, फिर तब उसमें जाकर हल्का सा, मतलब हल्का गर्म था, तब उसके बाद उसमें चीनी डालें, क्योंकि ज़्यादा गर्म में डालेंगे तो चीनी तो पिघल जाता, तो हल्का हल्का गर्म था उसी समय चीनी मिक्स कर लिया, और चीनी तो पिसा हुआ था, चीनी मिक्स कर लिए, फिर हाथ से गोल गोल लड्डू बना लिए, बन गया। तो यहाँ तो हमसे गलती थोड़ा हो किया है, लेकिन बताइएगा आप लोग ये लड्डू कैसा बन के तैयार हुआ है, खाने में तो बहुत टेस्टी था। आप कहिएगा कि आप तो खुद बनाई है तो बोलिएगा, लेकिन नहीं, वाकई में टेस्टी था। देखिए, अच्छे से बेसन को भुनने के बाद फिर उसमें और दो चम्मच घी डाल के फिर से अच्छे से भुने, ब्राउन तो हो गया था, लेकिन थोड़ा और थोड़ा सा भुनने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिए, क्योंकि शुरू शुरू में पहले मतलब ज़्यादा घी डालने से थोड़ा सा जलने का ही रहता है, लेकिन भुनने के बाद थोड़ा सा डालिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। भुनने के बाद अब तो भुन गया है, और अच्छे से अब इसको मिक्स कर लेना। अब यहाँ गैस को ऑफ करके इसको मिक्स कर रहे थे, थोड़ा देर इसको अच्छे से मिक्स किए ताकि हल्का सा ठंडा भी हो जाए कि हाथ से इसको अच्छे से मसल सकें, और उसके बाद जब हल्का सा ठंडा हो गया तब उसके बाद इसको निकाल के हाथ से मसलें। और ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता, जितना टाइम मतलब बेसन भुनने में लगा बस उतना ही। और कमेंट्स करके आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग किस तरह से बेसन के लड्डू बनाते हैं। मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, लेकिन आप लोग अपने तरीके से ज़रूर बताइएगा कि हाँ और कैसे बनता है। तो लीजिए, बेसन के लड्डू बनके तैयार। देखिए, लग रहा है ना अच्छा देखने में, और खाने में भी अच्छा था। और आप लोग भी लीजिए, टेस्ट कर लीजिए और बताइए कि कैसा बना है। यहाँ गए थे हम सांध बत्ती दिखाने के लिए, लेकिन उस समय भी बारिश हो ही रहा था, और सांध बत्ती दिखाने के बाद फिर
और कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाए, क्योंकि हल्का हल्का सर्दी जैसा भी हमको लग रहा था। तो हमने क्या रिकॉर्ड करेंगे, सूड़ साड़ करते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। और बारिश हो रही थी तो तुलसी जी के पास दिया रख नहीं पाए, फिर उसके बाद नीचे ही ला के रखना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर रखते तो बारिश हो रही थी, बुझ ही जाता दिया। चलिए मिलेंगे अगले ब्लॉग में।